नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैनन इमेज ग्लास MF3010 मल्टी फंक्शन लेज़र प्रिंटर में फोटोकॉपी कितनी निकाली सन कितनी, क्योंकि मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हैं और कैसे सेट कर सकते हैं उसको। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि आप 9 तक तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसमें फोटो कॉपी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद इसमें आप विदाउट फंक्शन की कोई यूज़ किए नहीं निकाल सकते। तो पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आप मैक्सिमम 29 कॉपीज निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी निकाल सकते हैं, 29 कॉपी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, 29 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। HP 1005 के अंदर आप 99 कॉपीज़ निकाल सकते हैं, उसके एक बेनिफिट है, लेकिन इसमें आप 29 निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये HP 1005 के बराबर नहीं तो कम भी नहीं, क्योंकि ये भी 29 कॉपीज़ निकाल सकता है। प्लस इसमें मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, तो आप इसमें मैक्सिमम 29-29 कॉपी निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकालना है तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक हाथ से कैमरा ले रखा है और एक हाथ से मुझे बताना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉप या रिसेट की को दबा लेते हैं ताकि जो पहले की सेटिंग है वो हट जाए। आप देख सकते हैं प्लस माइनस एरो की को, आपको माइनस एरो की को दबाए रखना है 5 सेकंड या उससे अधिक, जब तक कि ये कॉपी सेटिंग्स की तीनों एक साथ ब्लिंक करना स्टार्ट ना करें, तब तक आपको दबाए रखना है। देख सकते हैं आप तीनों एक साथ ब्लिंक कर रही, और एक यहाँ भी देख सकते हैं आप दोस्तों प्लस माइनस जीरो लिखा आ रहा है। प्लस माइनस जीरो का मतलब है दोस्तों 20 कॉपी, ये डिफ़ॉल्ट में सेव रहता है इसके अंदर, जब तक आप कुछ आप सेटिंग चेंज नहीं करें तब तक इसमें डिफ़ॉल्ट में ही सेव रहता है प्लस माइनस जीरो। प्लस माइनस जीरो का मतलब है 20 कॉपी। इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आप प्लस का साइन दबा सकते हैं, प्लस माइनस वन मतलब 21 कॉपी, प्लस माइनस टू यानी कि 22 कॉपी, प्लस माइनस थ्री यानी कि 23 कॉपी, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 देख सकते हैं आप, प्लस माइनस 9 मतलब 29 कॉपी। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप देख सकते हैं मैं दबाऊंगा तो कुछ नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप। इससे कम भी सेट करना हो तो आप कर सकते हैं, वापस से दबा दीजिए 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 कॉपी पे आ गया, प्लस 9 का मतलब 19 कॉपी हो गया है, प्लस 8 का मतलब 18 कॉपी, प्लस 7 का मतलब 17 कॉपी, प्लस 6 का मतलब 16 कॉपी, प्लस 5 का मतलब 15, प्लस 4 14, प्लस 3 13, प्लस 2 12, प्लस 1 11, आप देख सकते हैं प्लस 0 मतलब 10 कॉपी, और इससे कम करेंगे तो 9 पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप। अब मान लीजिए मुझे 12 कॉपी कर निकालनी है, तो प्लस 2 का मतलब 12 कॉपी होगी, और इसको सेव करना है तो मैं ये फंक्शन की को एक बार दबा दूंगा, देख सकते हैं ये सेटिंग सेव हो गई है, और देख सकते हैं आप F लिखा रहा है, और फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, कैसे आएगा आप देख सकते हैं, देखिए F, एक मिनट इसको पहले मैं रजिस्टर्ड कर देता हूँ। रजिस्टर्ड ये, या तो आप इसको प्रिंटर को ऑफ कर दीजिए या रिसेट की को दबा दीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। तो ये रजिस्टर्ड हो गया है, नेक्स्ट टाइम से 12 कॉपी दिखाएगा इसके अंदर। अब देखना है मुझे कि इसमें कितनी कॉपी सेव करी है इसने, तो आप इस लेफ्ट एरो की को दबा दीजिए एक बार, देख सकते हैं F लिखा रहा है, फिर 1 लिखा रहा है, फिर 2 लिखा रहा है, मतलब 12 कॉपी इसने सेव कर लिया। अब जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे फंक्शन की मदद से निकालना है तो 12 कॉपी ही निकालेगा।
लेकिन एक इसमें लिमिटेशन भी है दोस्तों कि मुझे इसमें 12 ही कॉपी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं चाहूँ इसमें 15 कॉपी निकालनी तो फिर से मुझे इसको सेट करना पड़ेगा 15 कॉपी पे, तो मैं 15 कॉपी निकाल पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको 12 कॉपी निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कॉपी मैं नहीं निकाल सकता। आप चाहें तो उसको 25 पे सेट कर सकते हैं, 29 पे सेट कर सकते हैं मैक्सिमम, और आप निकाल सकते हैं। मैं आपको 12 कॉपी निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने इस पर ओरिजिनल रख दिया है छोटा सा आपको दिखाने के लिए। और मुझे अब 12 कॉपी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार लेफ़्ट एरो की को दबाना पड़ेगा, देख सकते हो दोस्तों, प्लस F12 लिखा आ रहा है, यानी 12 लिखा रहा है, और स्टार्ट की को एक बार दबा दीजिए आप। थोड़ा बटन प्रॉब्लम कर रहा, थोड़ा जोर जोर से दबा देते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों, एक कॉपी निकाल दी है, दूसरी कॉपी भी निकाल दी है, ये तीसरी कॉपी भी आ गई दोस्तों, चौथी भी आ गई, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये नौवीं भी आ गई दोस्तों, दसवीं भी आ गई है, देख सकते हैं। साथ में रिमाइंडिंग दिखाता जा रहा है कितनी बच रही है, 2, 1, देख सकते हैं दोस्तों 0 पे आ गया। इसने 12 कॉपी निकाल दी, आप भी इसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों पूरी की 12 कॉपी निकाल दी। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे आप भी निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसको वापस से आपको नॉर्मल निकालना है, यानी कि अगर आपको 2, 5, 1, 2 कॉपी निकालनी है तो वापस से इसको रिसेट कर दीजिए, ये नॉर्मल पे आ जाएगा, और आपको 1, 2, 3, 4 कॉपी जितनी भी निकालनी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देखना है कि दोस्तों इसने डिफ़ॉल्ट में कितनी कॉपी सेव करी है, तो आप प्रिंटर को एक बार ऑफ़ कर दीजिए, मैं उसको ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने ऑफ़ कर दिया प्रिंटर को, एक मिनट बाद में फिर से इसको ऑन करता हूँ, 30 सेकेंड बाद। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, फिर से चेक करना है इसने डिफ़ॉल्ट में कितने कॉपी सेव करी, तो आप इसको लेफ्ट एरो की को दबाइए। देख सकते हैं दोस्तों, ये तीनों लाइट ब्लिंक कर रही है और प्लस 12 लिखा रहा है, इसका मतलब इसने 12 कॉपी डिफ़ॉल्ट में सेव कर ली है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चेंज करना है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना भी निकालना है आपको, उन मैक्सिमम 29 तक आप निकाल सकते हैं दोस्तों, कम करना कम कर सकते हैं, और उसको सेट कर सकते हैं जब भी आप निकालना है, आप मैक्सिमम 29 कॉपी या उससे कम निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।